अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे लगता है ऊपर कोई आया था, क्योंकि ये ईंटें इस तरह मैंने तो नहीं रखी हैं भाई। ये ज़रूर ज़रूर कोई ना कोई करके गया सेट। ये देखें, ये दरी अभी तक गीली है, इसको सूखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये पता नहीं कहाँ अड़ गई, कील में अड़ी हुई है। और ये इस तरीके से, अबे यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट सबसे पहले पिस्ती को बाहर निकालें। अबे यार, हुई 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 हुई, अंदर तो इतने ज़्यादा इसने बाल उतार के रखे हुए हैं भाई। आपको भूख लगी होगी काफ़ी ज़्यादा। और एक मिनट, ये उठाएं इसका यहाँ से। ओहो, ये इसने खाई नहीं ना, बचाई हुई है। ये देखें, चलें इसको उठा के वापसी रखते हैं, इसके अंदर फेंकें। हैं भाई, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया हैं भाई। चलें अभी बताता हूँ ये कहाँ से आ गया। और पिस्ती गायब हो चुकी है। इसको रखें इसमें और इसको इसमें। तो पिस्ती पिस्ती मैडम कहाँ चली गई, इधर आओ यार, खा लो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, भूख नहीं लगी। चलो चल, पाइप में घुस गई है। चलो शाबाश, खा लो खा लो जाके। चलो 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 यार, ये देखो चारा कमिंग। ये इधर खाए पिए। अच्छा दोस्तों, और अपने इन चूज़ों को देख लें कैसे, इनको भी ये देखें, रेशम के भी पर जो है ना वो झड़ना शुरू हो गए, कितने ज़्यादा पर इसके अंदर गिरे हुए हैं। और ये देखें, अबे यार, सबसे पहले वो तो दिखाऊं आपको मैं किधर लग गया। चलिए इनको धूप में छोड़ते हैं थोड़ी देर। आ जाओ आप बाहर, आ जाओ, थोड़ा सा मौज मस्ती करो। और आपको मैं लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ कि न्यू एंट्री क्या हुई है। जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं गोल्डन डव्स। दोस्तों ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, गोल्डन डव इनको कहते हैं। एक होती है ना डायमंड डव, जो कि सिल्वर कलर की होती हैं, एक होती हैं गोल्डन डव। तो उसके पास दो पेयर्स थे, तो उसने मुझे एक पेयर गिफ्ट कर दिया है खुद ब खुद ही। तो कह रहा था उसने मुझे, मतलब इसने एक एग भी इसने ले किया हुआ था, एक एग इसका अनफर्टाइल था और एक एग इसका फर्टाइल था। तो वो जो है ना, दूसरा एक जो एग फर्टाइल था ना, वो उसके पास एक मतलब सिल्वर का भी वो था, डायमंड जैसे, जो जिसे असल डायमंड डव कहते हैं ना, जो सिल्वर कलर में होती हैं। तो उसने एक अंडा दिया हुआ था, तो इसका फर्टाइल अंडा उसने उसके नीचे शिफ्ट कर लिया। तो ये देखें, वो पूरे का पूरा केज उठा के ले आया। ये इसी तरह इसने इसी के ऊपर अंडे दिए हुए थे, लेकिन उसने मुझे कहा भाई अपना केज आप ले लेना, केज मुझे दे देना, क्योंकि मुझे काम आता है काफ़ी, क्योंकि उसके पास पैरट वगैरह ये वो चीज़ें भी थी। तो मैंने कहा चलो केज आपको वापसी में कर दूंगा, तो उसने मुझे पेयर दे दिया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये पेयर, और ये बोलता भी है, क्योंकि ये कल शाम को आया था। तो हाँ, कल शाम को आया था, जब मैं आया तो बाय चांस मैं घर था ही नहीं जब ये पेयर वो लेकर आया। वही बोल रहे, चलें इसको उठा के अभी फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। चलो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक हो गया, इसको रख देते हैं इधर। बाकी अपने मास्टर केज के उनको खोलते हैं, बर्ड्स को। यहाँ पे सबसे पहले रिंकल और मोंटी, ये दोनों गए। ये देखें माशाल्लाह, दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और ये अंडा तिड़क रहा है क्या, और इसके ऊपर चिपका हुआ है। अच्छा ये किसी, हाँ छिलका था, इसको पता नहीं अभी कितनी देर है। खैर इसके ऊपर भी बैठे होते हैं बच्चे, अभी तक तो छोटे हैं, अंडा भी साफ़ है, केज भी इतना गंदा नहीं कर रही है ना अपने सराउंडिंग वाली जगह।
देखें हल्की हल्की सी फीड करवाई हुई है, अभी इनको दाना खिलाऊंगा तो फिर आके इन्हें खिलाएंगे। तो ये देखें, अबे क्या हो रहा है बाहर, ये क्या कर रहे हो, प्यास लगी हुई है। चलो आए पहले इनको बाजरा वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर चलो 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 आ जाओ। अपनी डायमंड डव को भी डालें बाजरा। तो चूजे उधर भाग गए हैं, वो सब्जा खा रहे हैं। एक दो तीन चार, पांचवा चूजा कहाँ पे है? अच्छा पांच ही हैं, पांच ही हैं। तो चील का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कब जो है ना वो चील आके अटैक कर देती है। अबे यार इसको देखो कितना बेचैन हो रहा है, या बेचैन हो रही है बाजरे को देख के ना। बाहर मैंने बाजरा फेंक के वो खा रहे हैं, ये देखें ये भी कितनी बेचैन हो रही है। अभी हमें भी भूख लगी है, हमें भी दे दो कुछ। तो आपको बाहर ही निकालेंगे, आपको देंगे इसी में। तो ये जो डब्बी है इधर खाली कर देते हैं और ये इसके अंदर भर देते हैं। तो देखते हैं कि ये कितनी दिलचस्पी लेते हैं खाने में। बाजरा रख दिया, इनका पानी भी चेंज कर देंगे अभी थोड़ी देर में कर देते हैं। तो अब साइड पे होते हैं, देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते। खाएंगे यकीनन। यार बाहर निकाला इनको, बड़ा बेचैन हो रहा है। मेल जो है ना वो देखें, उसको लगी पड़ी है कि मुझे ना बाहर निकाल दो। ये देखो बार बार इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो इसे ये लगी हुई है कि किसी तरीके से मैं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अभी तक अंदर पड़ा हुआ था ना, अभी इसने खुली फिज़ा देखी है ऐसे आसमान। तो इसे लग रहा है कि बस अब मुझे जो है ना छोड़ दें, मैं उड़ूं। यार इनकी हालत भी ना कोई इतनी अच्छी नीट नहीं लग रही, टेल भी उसके अंदर टूटे हुए पर हैं, साइडों पे भी टूटे हुए पर हैं। तो पिंजरा इनके हिसाब से ना छोटा है काफ़ी। तो जो बर्ड्स होते हैं ना इनको कम से कम खुली फ्लाई मिलनी चाहिए। खैर जो भी हैं, आपको पेयर कैसा लगा आप ये बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को मैं ये भी करने लगूँ एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।